हेलो फ्रेंड, किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने लाल मिर्च का अचार तो जाड़ों में बहुत बार खाया होगा। आज मैं आपको लाल मिर्च का ऐसा अचार बताऊंगी जो कि बनाने में इतना आसान है, साथ ही साथ इस अचार से एक फ़ायदा और है। अगर हमें थोड़ा अचार खाना है तो हम थोड़ा ही अचार लेंगे, पूरी मिर्च लेकर उसे ख़राब नहीं होगी। तो एक बार इस तरीके से लाल मिर्च का अचार बनाकर देखिएगा, साथ ही साथ आप इसे 2 से 3 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ये लाल वाली मोटी लाल मिर्च ली है जो कि जाड़ों में आसानी से मिल जाती है। मैंने इन्हें धोकर अच्छे से सुखा लिया था, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब इन्हें एक चाकू की हेल्प से हम गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी कभी हम भरमा लाल मिर्च का अचार डालते हैं तो पूरी मिर्च हमें भरनी पड़ती है। इस तरीके से हमारी बहुत मिर्च खाने में बर्बाद होती है। अगर आधी मिर्च चाहिए होती है तो हमें पूरी मिर्च ही निकालनी पड़ती है, वरना वो ख़राब हो जाती है और उससे हमारा अचार बहुत बेस्ट होता है। इसलिए इस तरीके से एक बार अचार बनाकर देखिएगा, इससे आपका अचार बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होगा। आपको जितना अचार खाना है उतना ही अचार ले लीजिए। और ये देखिए, मैंने सारी लाल मिर्च काट कर रख ली हैं और डंठल बिल्कुल अलग कर लिए हैं। अब इन मिर्चों के लिए हम मसाला बनाते हैं। मैंने 1 आधा चम्मच अजवाइन ली है, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी चम्मच साबुत सौंफ, 2 चम्मच पीली सरसों और 1 चम्मच जीरा लिया है। इन सभी खड़े गरम मसालों में हम अजवाइन को छोड़कर सारे मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने धनिया डाल दिया है, इसमें मेथी दाना, पीली सरसों, सौंफ और ये मैंने जीरा डाल दिया है। अब सारे मसालों को हम हल्के लो फ्लेम पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे ड्राई रोस्ट करने में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। जैसे ही इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, वरना मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं और फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है। ये देखिए, सारे मसाले भुन गए हैं, एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और ये देखिए, सारे मसाले खूब अच्छे से भुन गए हैं। अब इसी पैन में मैंने 1 चम्मच ये बनारसी राई ली है और 1/2 चम्मच अजवाइन ली है, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अभी हमारा पैन गरम है, उसी में राई और अजवाइन अच्छे से गरम हो जाएगी। और ये देखिए, दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, इन्हें भी निकाल कर अलग कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तब तक मैंने एक पैन में 1/4 भरकर सरसों का तेल लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके के अचार में ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तेल को खूब अच्छे से धुआं आने तक मैंने गरम कर लिया है और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तब तक हमने जो मसाले रोस्ट किए थे उन्हें एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मसालों को भी दरदरा पीस लिया है। अब हमने जो तेल ठंडा किया था उसमें मैं 1/2 चम्मच हींग डाल दूंगी। हींग डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती है, साथ ही साथ अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसमें 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स, मोटी वाली लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने 1/2 चम्मच इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने अजवाइन और राई का भी मिक्सचर डाल दिया है। 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी हमारे अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करती है। और सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अभी हमारा मसाला तेल थोड़ा हल्का गर्म है, इसलिए इसमें किसी भी मसाले की कचाई नहीं आएगी। अब मैंने इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला भी डाल दिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अचार का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम अपनी लाल मिर्चों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे।
और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा मसाला मिर्चों पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। और ये देखिए खूब अच्छे से मसाला मिर्चों के ऊपर कोट हो गया है। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा तभी अच्छा लगता है। और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डाला है। फ्रेंड्स अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह वाइट विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे विनेगर की थोड़ी सी स्मेल पसंद नहीं है इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। इसमें अमचूर डालकर अच्छे से अचार को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स बर्मा मिर्च के अचार को बनने में 4 से 5 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं। और ये देखिए हमारा मिर्चों का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है। इसे आप 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार इस तरीके से अचार बनाकर देखिए, आपके घर में सभी को ये अचार बर्मा मिर्च के अचार से ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।